से बोलेंगे। सबसे पहले भाई इब्राहिम अब्राहम भाई काफी बुजुर्ग है, 73 साल का है इन दिनों में। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार आप लोगों का सुंदर चेहरा देखकर, आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करने के सौभाग्य मेरे जीवन में भी प्रभु दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। മുൻ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും യേശുവിനെ കണ്ട് നേരിട്ട് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് അതിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും और इस खुशी के साथ मैं आप लोगों के बीच तक आ गया है, क्योंकि जो खुशी और आनंद मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैंने पाया है, उसका गवाह होकर हम इधर उधर जाकर प्रभु की महिमा करते हैं, वैसे आपके बीच में भी आने की। देखो सबसे पहले मैं हमारे भाई जो केवर्गी से भारी है, जिसके द्वारा मुझे मेरे यहाँ पर आने का जो कार्य हो गया, उसको धन्यवाद देते हैं। मैं भारी हूँ, कई प्रकार की समस्या मेरे आने में आया है, सारे रुकावट को उनके प्रार्थना पूर्ण किया है, इसलिए संभव हुआ मैं आपके बीच में आज है। हालेलुया, हालेलुया। He told me I was too old. देखो इतने यही अनुभव मेरे प्रभु मुझे लाया। Tell me I can speak the language. देखो आपके भाषा मुझे मालूम नहीं है, फिर भी आपका खुशी और आनंद आत्मा में मैं समझता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो मुझे डायबिटीज की बीमारी है, जाने की तैयारी जो हमने के विचार किया था, उस समय मेरा डायबिटीज बढ़ गया और पाव में चोट आया और काफी परेशानी हो गया, चल नहीं सकता। यही तो आज्ञा मानते हो? हाँ मैं मानता हूँ, मैं बचपन से प्रभु की आज्ञा मानते हैं। उसी समय यीशु ने क्या कहा? एक ही कमी तुम्हारे जीवन में है, देखो तुम्हारे पास क्या कुछ आजाद है वो सब बेच कर कंगालों को दो। देखो उसके पास ज्यादा धन संपत्ति थे, इसी कारण से दुखी होकर वहां से यीशु से दूर होगी। रोमी 3:23 यही कहते हैं, हम प्रत्येक पाप करके परमेश्वर की रहिता अम्मन